फेसबुक करते हुए आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि मेरे लिए जरूर दुआ किया करें, जब फिलहाल इसको पेश करना होता है। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा खुदा, मैं हमेशा की तेरे आज भी अपने आप को तेरे पास रूप के दावे करता हूँ। और खुदा पाक रूप जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, तेरी हिकमत को, तेरे फजल को, तेरे मसा को अपने लिए मांगता हूँ, क्योंकि खुदा तेरी मदद के बगैर, तेरे फजल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के कलाम की सारी खिदमत अपने पास रूप की कुदरत और कुवत से हम सब के लिए पाए से बढ़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसका चाहते और मांगते हैं। सबसे पहले तो आज मुझे नहीं अंदाजा कि आप इस दिन की अहमियत से किस कदर वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितने भी त्यौहार हैं, हर एक त्यौहार अपने अंदर एक खास ब्लेसिंग और बरकत रखता है। आज का त्यौहार जिसे तकरीबन 80% 90% लोग शायद इस त्यौहार को त्यौहार ही नहीं मानते, यही वजह है कि आधा चर्च खाली है। अगर हम मिलके बैठते तो आधे से ज्यादा खाली है। ये तो कोरोना की बरकत है कि हम भरे भरे लग रहे हैं। मैं इसमें कहना ही चाहता हूं कि आज के दिन की ब्लेसिंग और आज के दिन की बरकत को अगर हम जानते तो हम अपने पूरे पूरे खानदान समेत आज खुदा के घर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एल्डर साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि ईद पेंटिकोस्त का मुकद्दस दिन है, त्यौहार है, ईद है। ईद हो और चर्चेज में हाजिरी इतनी, नहाय अफसोसनाक बात है। लेकिन हम जितने भी आज, शायद थोड़ा सरमन मेरा लंबा हो जाए, बैठने के लिए इतना टाइम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम तफसील से आज इस दिन के मुतल्लिक सीखे कि इसके साथ हमारी बरकत किस कदर बदली। चूंकि मुझे ये समझने में बिल्कुल भी गलती नहीं लग रही, अगर आप लोग इस दिन की बरकत से वाकिफ होते, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आज आपकी हाजिरी इतनी कम ना हो। पेंटिकोस्ट और पेंटिकोस्ट ये लफ्ज आपके इर्द गिर्द बहुत सुना जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ये ईमान है कि आप इन बातों को, चूंकि आपको 36 चैनल हैं टीवी पर, वो सारे के सारे पेंटिकोस्टल हैं, मेरा ख्याल है आप इस लफ्ज से अब वाकिफ होंगे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके माने 50 लेके हैं और इसके बुनियादी मादा 50 से निकला है। अरबी जुबान में इसके लिए खमस का लफ्ज इस्तेमाल होता है और पेंटिकोस्टलों को लोग खमसीनी भी कहते हैं। मैं इन लफ्जों में नहीं जाऊंगा, मैं इक्तसार की खातर, बात को मुख्तसर करने की खातर सिर्फ इसका थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि ये पेंटिकोस्ट का दिन क्या ये रसूलों के एमाल की किताब में दूसरे बाब में जिसका जिक्र किया गया है, क्या मसीहियों ने पहली बार मनाया? इसकी तारीख
इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं बहुत सी चीजों को शार्ट करके मुख्तसरन बयान करूंगा, मैं गुजारिश कर रहा हूं, शायद बहुत सी चीजें आपके लिए नशनाए जवाब रह जाए, लेकिन खुदा ने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, बहुत सारी ईदें आप भी देखें और मुझे भी खुदा देखना देखने का फजल दे, तो हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज पहली बार मुझे आपके साथ इस त्यौहार पर बोलने का खुदा ने मौका दिया है, तो मैं चाहता हूं थोड़े वक्त में हम ज्यादा चीजों को ग्रास्प कर सकें। पहली बार कि ये मसीहियों के लिए पहली बार इसको आज से 2000 साल पहले नहीं मनाया गया, बल्कि इसकी तारीख कबला मसीह यानी बनी इसराइल के जमाने से। कैसे? जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकलती है और उसके मिस्र से निकलने के 50वें दिन जब वो चलते चलते बियाबान में सीना के पहाड़ पर सीना के मकाम पर आते हैं, मेरे लिए एक ग्लास पानी का अरेंज करते क्योंकि अभी खांसी मेरी कम नहीं हुई बादल के साथ। तो कहना ये चाहता हूं कि जब बनी इसराइल कौम चलते चलते सीना के मकाम पर आते और 50 दिन उन्हें हो चुके हैं कि वो मिस्र के मुल्क से निकले, तो ठीक 50वें दिन खुदा ने मूसा को सीना पहाड़ पर बुलाया और बुलाकर उसे शरीयत दी, उससे हम कलाम हुआ। इसके लिए मैं चाहता हूं कि चंद आयात में कुलावे मुकदस में आपके सामने पढ़ूं। खुरूज की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से यू मरकूम है कि जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और किरना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और वह सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तरूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था और जब किरणें की आवाज नहायत ही बुलंद हुई होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए उसे जवाब दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि 50वें दिन जब खुदा ने अपनी जात का मुकाशवा दिया, अपनी जात का इजहार किया और साथ अपने कलाम से अपनी शरीयत से कौम बनी इसराइल को नवाजा, तो इर्द गिर्द का माहौल उसकी तस्वीर और ये अमाल दूसरे बाब की तस्वीर अगर आप देखें तो आपको हालात एक से नजर आएंगे। वहां भी पहाड़ हिल रहा है, धुआं है, आग है, गूंज है, शोर है और यहां पर भी वो जिस बाला खाने पर बैठे हुए हैं वो बाला खाना हिल रहा है, शोर है, आग है, शोला किसी फटती हुई जुबाने हैं और जोश है, शोर है। इसका मतलब ये है हमारा ये फेथ है, हमारा ये ईमान है, हम जितने तस्लीस को
तसलीस के दूसरे एक रूप का यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह का हो या तसलीस के तीसरे एक रूप का यानी रूहुल कुद्दस का जिक्र हो, तीनों अपनी जात में कामिल खुदा, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि जब आज से तकरीबन 3700 साल पहले, तकरीबन यीशु के आने से 1500 साल 1700 साल पहले मूसा ने बनी इसराइल की रहनुमाई की, उन्हें मिस्र से आजादी बख्श, और यूं उसकी टोटल तारीख तकरीबन 3700 साल बनती है, तकरीबन 4000 साल। तो ये सीन, ये नजारा, ये मंजर बनी इसराइल को सीना के पहाड़ पर भी देखने को मिला, और फिर आज से 2000 साल पहले ईमानदारों ने, जो ईमानदारों की जमात 120 की जमात बाला खाने पर मौजूद है और वो 10 दिन से दुआ में मशगूल है। मैंने पिछली बार जिक्र किया था ईदे सऊद पर, के ईदे सऊद पर जब मसीह यीशु आसमान पर उठाया गया तो वो जाते हुए एक बात कहकर गया कि सभी यहां ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह का लिबास न मिले, मुनादी के लिए, खिदमत के लिए न निकलना। और वो लोग एक तो मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के सबब से, फिर अपने लोगों के, अपने एक गेट बादशाह, रूमी हुकूमत और यहूदियों के खौफ से डरे हुए, सहमे हुए, अपने आप को उन्होंने एक ऐसी जगह पर इकट्ठा कर रखा है। और अगर आप पहले बाब को पढ़े मालकी की किताब में, तो लिखा है वो 10 दिन तक यज्ञ दिन होकर दुआ करते हैं, दुआ में मशगूल। और अगर आप पहले बाब की 14वीं आयत को पढ़े, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपके सामने एक बार किसको भी पढ़ू, क्योंकि 12वीं आयत में 12वीं और 13वीं आयत में पूरे 12 रसूलों का जिक्र है, और 14वीं आयत में ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। तो ये उनकी दुआओं का फल उन्हें दूसरे बाब की 1वीं आयत से 4वीं आयत तक मिलता है। उन पर बाटू मैं इख्तसार की खातर इस बात को सिर्फ इतना कहूंगा कि यहूदी इस ईद को हफ्तों की ईद के नाम से मनाते चले आ रहे थे। तकरीबन 1400-1500 सालों से इस पेंटिकुस्त के दिन को वो हफ्तों की ईद कहते, इसे वो व्हाइट संडे भी कहते, सफेद इतवार, व्हाइट संडे, इसको वो शबा भी कहते, ईदे शबा भी कहते, चूंकि शबा यानी सबत ऐसा दिन के जिसमें उन्होंने खुदा की थियोफनी, खुदा का जलाल और शरीयत हासिल की, और वो इस दिन को अपने हफ्तों की ईद के तौर पर भी मनाते चले आते थे। तो ये कोई नया त्यौहार नहीं था, और यहां इकट्ठे होने वाले भी सारे के सारे यहूदी। और मजे की बात यह है कि जब ये गैर जुबानें इन पर आ ठहरी हैं, तो इनमें यीशु की मां मुकद्दसा मरियम भी उन 120 लोगों में शामिल। मैं कहना ही चाहता हूं कि ये पेंटिकोस्त का तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता, इस गलती से आज निकल आइएगा कि ये महज 35 लोगों का दिन है, 35 लोगों
ऐसी सोच है तो ये गलत सोच है। चूंकि ये बाइबल मुकद्दस का त्यौहार है, ये बाइबल मुकद्दस की नेमत है, ये बाइबल मुकद्दस का गिफ्ट है, पाक रूह का गिफ्ट है, और पाक रूह और तस्वीर को हम सभी बिलीव करते हैं, हम सभी मानते हैं। और गैर जुबानों का बोलना किसी के लिए मायूब और अजीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब रूहुल कुदस से वो लोग भरे हैं, रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ, तो सभी के सभी गैर जुबानी बोलने वहां जितने थे, और उन जितनों में मैंने इसलिए पढ़कर ये सुनाया है कि मुकद्दसा मरियम भी वहां उन 120 लोगों की जमात में मौजूद है। तो ये नाम तो रोमन कैथोलिक लोगों के लिए अजीब होना चाहिए, न प्रेस्बिटेरियन, न चर्च ऑफ पाकिस्तान या दीगर जितने भी चर्चेस। ये बाइबल का हिस्सा है, ये किसी एक डिनोमिनेशन का, किसी एक चर्च का डॉगमा नहीं है, उनकी डॉक्ट्राइन नहीं, ये बाइबल की डॉक्ट्राइन है। ये सॉरी, ये बाइबल की तालीम है, इसलिए हमें बाइबल की तालीम को समझने और मानने की जरूरत है। किसी चर्च के साथ लव होकर उसकी हमायत में या उसकी मुखालफत में हमें ना इसको कबूल करना है और ना इसको रद्द करना है। तो ये यहां पर लिखा है कि जितने लोग थे खुदा का पाक रूह, जब वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस मेरे रूह ने उन्हें बोलने की कुवत बख्शी। कितने लोग हैं यहां बैठे हुए जो गैर जुबानों के लिए अपने अंदर बोझ रखते हैं, काश मुझे भी नहीं है कोई? एक, दो, तीन, चार, पांच। बाकी पात्रों के लिए बोझ नहीं रखते, खुदा आपको बरकत दे। चले, अगर पांच लोगों का बोझ बना है तो बाकियों का भी बोझ आज मेरा ख्याल है बन जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूं आज कि गैर जुबानों का मिलना ये खुदा का गिफ्ट है, ये खुदा की नेमत है, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की अता है। पाक रूह से भर जाने की एक अलामत है, एक निशानी है। इसलिए हमें अपने तासुब में अगर हम इसके इससे पेशतर इससे वाकिफ नहीं या हमें तालीम नहीं दी गई, तो हमें मुखालफत बराए मुखालफत में पाक रूह का और गैर जुबानों का इनकार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हमें बाइबल मुकद्दस को सामने रखते हुए जब रसूलों के ईमान की किताब उसके दूसरे बाब में करंथियों के खतूत में इफिसस में और बहुत सारी जगहों पर गैर जुबानों का उनके वजूद का जिक्र है, तो क्या हम इन हिस्सों को चाट जाएं, खत्म कर दें, हजफ कर दें? नहीं कर सकते। जब एक चीज मौजूद है, बाइबल की तालीम है, तो हमें इसको मानने की, इसको ऑनर देने की, इसको इज्जत देने की जरूरत है। और गैर जुबान ये पाक रूह की साइन है, अलामत है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाक रूह और गैर जुबानों की मोहब्बत में इस कदर बैठे हुए हैं लोग कि वो अगर कोई गैर जुबान नहीं बोलता तो उसकी तहकीक करते। इधर ये है जो इनका इनकार करने वाले हैं, जो इसकी अहमियत को जानते नहीं समझते नहीं, वो बोलने वालों से नफरत करते हैं, उनका तमस्कर उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी तमाशा कम नहीं है, दूसरी तरफ बोलने वाले उन लोगों का तमस्कर उड़ाते हैं, उनकी तहकीर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं,
कि इनके पास पात्रू नहीं। वो ये कहते हैं, अच्छा अजय गैस बंद नहीं मिली, इतना मतलब है कौन पात्रू नहीं मिला। और वो ऐसे लोगों को अजीब निगाहों से देखते, बड़ी तरहम निगाहों से, तरस भरी निगाहों से, और उन्हें गैर ईमान और गैर निजात याफ्ता समझ लिया। ये दोनों एक्सट्रीम्स अपनी अपनी जगह पर गलत। अगर हम इनके वजूद का इनकार करते हैं तो गोया हम बाइबल की तालीम का, रसूलों की तालीम का इनकार करते हैं, पाक रूह के वजूद का इनकार करते हैं। और अगर हम इसी को सब कुछ मानकर इसी पर तकिया कर लेते हैं तो फिर ये भी दूसरी एक्सट्रीम, ये भी दूसरी इंतहा है। एक इधर दासु के मानने ही नहीं, एक उधर दासु के इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं करनी। दोनों एंड, दोनों एक्सट्रीम्स गलत। चूंकि रूह ऐसा लफ्ज है जिसको इब्रानी जुबान में रवाह कहते हैं और ग्रीक में इसके लिए इसको पैराकलीटस भी कहते हैं और लातीनी में और ग्रीक में, गलत मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो, शायद लातीनी में या ग्रीक में इसके लिए लफ्ज नोमा इस्तेमाल हुआ। और इन दोनों का मानी, मजे की बात यह है बाइबल में इन दोनों का तर्जमा नहीं किया गया, उसको वैसे का वैसा लिखा गया। बाइबल में आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत से देख लें, जमीन सुनसान की, वीरान की, गहराव था, पानी था, और पानियों पर खुदा का पाक रूप जुम्बश चढ़ा। वहां से लेकर मुकाशफा की किताब तक आप चले जाए, रूह को रूह ही लिखा गया है। जबकि इसके लुगवी मानी विंड, तेज हवा या आंधी, लेकिन कहीं भी इसका तर्जमा हवा, आंधी या विंड, तेज हवा नहीं किया गया। ब्रेथ, सांस को भी रवाह कहा गया, रूह कहा गया, लेकिन कहीं भी इस लफ्ज का तर्जमा बाइबल मुकद्दस में आपको नहीं मिलता। दूसरी दिलचस्प हकीकत, आप पुराने अहदनामे में देखें तो पुराने अहदनामे में इब्रानी जुबान में यह लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल किया गया है, जबकि नए अहदनामे में आप आके देखें तो यह लफ्ज रूह, मोनस और मुजक्कर दोनों सूरतों में आपको मुस्तमिल मिलता है। और मैं कहना नहीं चाहता हूं कि इस लफ्ज की थोड़ी सी हकीकत को जान आज पेंडेमिक, कोरोना, COVID-19 से सारी बात कि है क्या, ये काम कैसे करता है, ये असर कैसे करता है, तो ये लफ्ज नोमा इसके स्पेलिंग पी से शुरू होते हैं, पी साइलेंट है, कई इसको पेनोमा पढ़ते हैं, पेनोमा। तो मेडिकल साइंस का इधर बंदा कोई है? हाँ जी, एक मेरी बहन है, और इसके अलावा कोई? नमूनिया से कितने लोग वाकिफ है? एक ही वाकिफ, चलो खैर खुदा सारे को बचा के रखे। नेमोनिया, उसकी स्पेलिंग भी पी से शुरू होते हैं, पेनमोनिया, पेनोमा। मैं इसलिए पेनोमा बोल रहा हूं कि आपको ना थोड़ा सा लफ्ज समझ आ जाए, पढ़ते इसको वैसे नोमा है, नोमेटोलॉजी। नोमेटोलॉजी वो इल्म है जो पाक रूह के मुतल्लिक है और रूहुल कुदस की तालीम के मुतल्लिक जो डॉक्ट्राइन है मसीहियों की, उसको नोमेटोलॉजी कहते हैं।
रूहुल कुद्स का इल्म, इल्मुल रूह या इल्मुल रूहुल कुद्स, और इसी से नेमोनिया लगता है। और ये आजकल कोरोना से जिससे आप इतना खौफजदा है, ये असर कैसे करता है? ये असर इस तरह से करता है, इसकी तासीर ये होती है कि जब कोरोना के जर्म्स हमारी जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये डायरेक्ट हमारी सांस या गले के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं, और फेफड़ों में पहुंचने से हमारे फेफड़े एक ऐसी हवा की बनी हुई थैलियां हैं, सैक्स हैं, जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं और हमें सांस लेने में सहूलत होती है। तो ये कोरोना से अफेक्टेड लोग गोया निमोनिया का पेशेंट बनते हैं, क्योंकि इसके जरिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि ये कोरोना का वायरस हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाने से हमारे उन फेफड़ों की उस ऑक्सीजन को, उस हवा को खत्म कर देता है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल और प्रॉब्लम होती है। कह रहे होंगे ईद पेंटिकोस्ट पाखरू की बात, पादरी साहब निमोनिया लेके बैठ गए हैं, पादरी साहब आज कोरोना का जिक्र लेके बैठ गए हैं, तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि आप इस लफ्ज की हकीकत और इसके काम को, इसकी अफेक्टिवनेस को जान लें कि जब आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, हवा की कमी हो जाती है, तो जिंदगी मुनकिदा हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर चीखते हैं, इसीलिए लोग इस बात के लिए डरते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर होने चाहिए, अगर सांस का प्रॉब्लम होता है उनके लिए, उनकी सांस की बहाली के लिए वेंटिलेटर चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो कोरोना की भी स्टडी होने रही है नाल नाल। हाँ, इसलिए हमें वेंटिलेटर्स की इतनी जरूरत है कि सांस की बहाली हो सके। तो फिर वापस आते हैं, ये नौवां क्या है? रूह है। रूह ऐसी हवा, ऐसी ब्रेथ, ऐसी सांस कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर इस ऑक्सीजन का, इस हवा का, इस सांस का तसलसल ना रहे, उसकी माकूल मकदार ना रहे, तो जिंदगी टूट जाती है। इसी तरह अगर ईमानदारों की पांच रूह से, इस रूह की सांस से, इस ऑक्सीजन से, इस रूह से खाली है, तो वो भी जिंदगी से हालेलुया खाली मर जाएंगे। मौत हलाकत उसका मुकद्दर है। ये पांच रूह की, ये नोमेटोलॉजी की, ये पैनोमा की, ये नोमा की अहमियत हमारी जिंदगी में। और वो लोग जो आज तक तासुब के नाम पर, ये भाइयों की जुबान, ये भाइयों की जागीर, ये भाइयों का मसला है, ये पेंटिकॉस्टल लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं, ये किसी का एहसासा नहीं है, ये मसीहियों का एहसासा है। और मसीही जो पांच रूह को मानते हैं, रूहुल कुद्स को मानते हैं, और हम सब का ये ईमान है कि रूहुल कुद्स तस्लीस के तीसरे अकलूम का नाम है। जब हम उसको मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो हमें पाक रूह का, उसके नजूल का भी एहतराम करने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है। लेकिन बैलेंस के साथ, तवाज़ुन के साथ, मैं भी बार बार अर्ज कर रहा हूं कि दो ग्रोह अजीब सिचुएशन, जो मुकरता है, जो इनकार करता है, वो इस कदर बागी है
कि उसके वजूद को ईमान है, और जो इसकी मोहब्बत में इससे प्यार करते हैं, इसको मानते हैं, वो इसकी मोहब्बत में इतने एक्सट्रीम हो गए कि वो इसके अलावा और किसी चीज को महसूस ही नहीं करते। तो ये दोनों एंड अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में रहे। कहना ये चाहता हूं कि यहां पर चौथी आयत में और वो सब रूहुल कुदस से भर गए। देखिए यहां मैं पेंतिकास्त्र भाइयों की इस्लाह करना चाहता हूं कि रूहुल कुदस से इस जुमले को ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुदा गवाह है, खुदा के मजबा पर एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर ध्यान दिया। जो बाइबल का स्टूडेंट होते हुए मैं किसी चर्च की टारगेट को ना इसको कन्फ्रंट कर रहा हूं ना इसकी प्रमोशन, बल्कि मैं बाइबल को कदस में इसका जितना वजूद है वो आप तक आज पहुंचाना चाहता हूं। हम एक तरफ इतनी मुखालफत में है, एक तरफ इतनी अति मोहब्बत में, तो मैं दोनों को एक तवाजन पर लाकर जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है वो सिखाना चाहता हूं, वो सीखना चाहता हूं कि हम बाइबल मुकद्दस को सीखे। लिखा है कि वो और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। और मैं हमेशा कहता हूं ये रुपया कब होते हैं, ये बड़े जरूरी होते हैं, और इसका मतलब है पीछे वाला हिस्सा खत्म आगे वाला। अगर मैं ये कहता हूं एल्डर मून और माइसली, उसका मतलब है ये दो अलग अलग चीजें, अगर एक ही होते तो फिर मुझे बीच में और लगाने की जरूरत न पड़ती। सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। आगे क्या है, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, तो यहां हमारे फलस्तीनी भाई पेंटिकॉस्टल लोग जो ये दावा करते हैं कि गैर जुबाने ही रूहुल कुदस है, तो वो अपनी इस्लाह करते हैं कि गैर जुबाने रूहुल कुदस नहीं बल्कि रूहुल कुदस की अलामत है, साइन है, निशान है। चूंकि यहां मुझे मामला लंबा ना हो जाए, चूंकि हमारा ये ईमान है कि हम जिस खुदाए सालूस को तसलीस को मानते हैं इसमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, और ये तीनों अपनी जात में मुकम्मल शख्सियत है, अलग अलग शख्सियत। अब बाप को रूह कुदस नहीं कह सकते, रूहुल कुदस को बेटा नहीं कह सकते, बेटे को बाप नहीं कह सकते, थियोलॉजिकल पॉइंट, लेकिन ये तीनों एक है और ये एक में तीन है, लेकिन ये तीनों अपनी पूरी पूरी अलग अलग शख्सियत रखते हैं, और शख्सियत को बनाने के लिए तीन चीजें होती हैं, जिसमें हमारा हमारी फीलिंग्स, हमारा इरादा और वैज़न, इसको बाइबल मुकद्दस की जुबान में ग्रीक में सोमा, साइकी एंड नोमा, ये पैनोमा जिसको आप पढ़ते हैं पी से नहीं, नोमा, सोमा, साइकी एंड ये बाइबल मुकद्दस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ग्रीक में वो यही है, सोमा, साइकी एंड नॉ। जितना से आप पौलुस रसूल को देखते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी इल्मुल इंसान क्या है और इंसान की हकीकत क्या है, इंसान ये एक बहुत बड़ी थियोलॉजी में बहस है कि क्या इंसान डाइकॉटमिक है या ट्राइकॉटमिक। डाइकॉटमिक दो
दो चीजों से मिलकर बना है, या ट्राइपॉड में कुछ तीन चीजों से मिलकर बना है। ये बाइबल मुकद्दस के जो लोग थियोलॉजियन हैं, वो इन चीजों को सीखते हैं, इस पर बहस है। और आपने सुना होगा कि रूह, जान और बदन, ये मिलकर इंसान की शख्सियत को कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रूह और बदन एक ही बात, बदन और जान एक ही बात है, लेकिन कुछ थियोलॉजियन ये कहते हैं कि रूह तो अलग है, जो मौत के बाद भी इस बदन के तहलील हो जाने के बाद भी कायम रहती है, क्योंकि रूह ने ही आसमान पर हमारी नेकी और बदी के मुताबिक उसको डील किया जाए। मैं इतना लंबा इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन इशारा का जिक्र करना चाहता हूं कि रूह, जान और बदन, शख्सियत के अंदर इन तीन चीजों का, अकल का, इरादे का, फीलिंग्स का होना जरूरी है। और पादरी क्या कहते हैं, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तुम पादरी को आज पूरी करना कि जरूरी होगी, सारे बस यही है, पादरी को रंजीदा होना करो। तो रंजीदा होना, खुश होना, ये फीलिंग्स के साथ, ये फीलिंग्स को, साइकी, विजडम, अकल, पाखरू हिकमत का मंबा है, पाखरू हिकमत से नवाजता है, इसलिए कहते हैं ना पाखरू बेहतरीन उसका जो हमें सिखाता है, अकल फ्राम करता है और पाखरू का इरादा भी। क्योंकि क्या कह रहे हैं, आओ हम मिलकर इंसान को अपनी छवि पर, ये इरादा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, मैं इस बार इसको क्लोज करूंगा, चूंकि फिर दूसरी बातें रह जाएंगी, कि तीन चीजों का होना जरूरी है। और खुदा पाक रूह तस्लीस का, खुदा का तीसरा, तसव्वुर खुदा का तीसरा रुकन है, जो एक पूरी जात, मेरी जुबान को, मेरे बोलने की कुव्वत को आप शबाज नहीं कह सकते। शमाज के लिए मेरा बदन का होना, मेरी अकल का होना, मेरी फीलिंग्स का, मेरे इरादे का, ये सारी चीजें मिलेंगी तो शमाज की पर्सनैलिटी मुकम्मल होगी। उस बात की समझ आई? हालेलुया। तो यार बोल चलिया करो, पड़े हो, सो ही गए हो, जाग रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजल ही बात कोई क्या गला खराब है, मेरा खराब होने के बावजूद ठगी भी जाना, बोली भी जाना, करती भी जाना। अस आए हैं आनंद लैन, मजा लैन, दादे घर चाया सुकून मिलता है, रल के सौ सूट खुल जाइए, प्लीज जागते। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पाक रूप खुदा का तीसरा अखरूप है, आप उसको एक उज्म के साथ, सिर्फ बोलने के साथ ताबीर नहीं कर सकते, महज बोलने की कुव्वत को आप शख्सियत करार दे दे, उसको पाक रूह कह दे, तो ये हमारी एक्सट्रीम हालत हो सकती है, हमारी बड़ी हुई मोहब्बत हो सकती है, हकीकत नहीं। खुदाए पाक रूह एक मुकम्मल पर्सनैलिटी है, एक मुकम्मल किरदार है, एक मुकम्मल शख्सियत है, ये खुदा है। और खुदा से बोलता ही, खुदा के बोलने का नाम ही खुदा नहीं, खुदा पूरा किरदार, पूरी जात, पूरी शख्सियत। इसलिए गैर जुबाने पाक रूह के होने की एक अलामत, एक निशानी है। हाँ, जिनके पास ये है उन्हें शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं, और जिनके पास ये है उन्हें फखर से फूल जाने की भी जरूरत नहीं, कि वो दूसरों को बिल्कुल बेदीन समझे, इन पात्रों नहीं मिले, मसीह ही नहीं, ये ईमान ही नहीं, ये कोई बरकत ही नहीं, ये कोई ब्लैसिंग ही नहीं, तो ये भी गलत है। हाँ, हमें इसकी खास करनी चाहिए, खुदा ये बरकत, खुदा ये ब्लेसिंग दे, गैर जुबानों की नेमत मिले और हम रूह से खुदावंद की प्रस्तुति करें, रूह से खुदा के हजूर उससे बातें करें, उसकी
अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदा के हजूर झुके, ये खूबसूरत बरकत है, खूबसूरत ब्लेसिंग है। इसके लिए हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सब के सब जू से भरने के बाद गैर जुबानी हो गई, जू से भरकर। अब मैं शॉर्ट करूंगा, पुरानी जिंदगी की अगर वक्त मिला हम इस जिंदगी में रहे तो अगली बार फिर इसी दिन पर या किसी और संडे पर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जुबान, जुबान के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जो ग्रीक में इस्तेमाल हुए, ग्लासोलालिया और जेनोलालिया। ग्लासोलालिया जो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि सब के सब गैर जुबानी बोलने लगे, वो लफ्ज है ग्लासोलालिया। ग्लासो कहते हैं जुबान को, टंग, और लालिया ग्रीक में बोलने को कहते हैं, ग्लासोलालिया। और इसके मुतरादिफ दूसरा लफ्ज है जेनोलालिया। ये जरा इसकी चीखें बंद करें, बात में बड़ा बुरा लगता है रिकॉर्डिंग में जब इसकी सब बातें आती हैं। प्लीज, जेनोलालिया, जेनोलालिया ऐसी जुबान है जिसको हम बाकायदा इल्म के तौर पर सीखते हैं और फिर बोलते हैं। जैसे हम ग्रीक को, हिब्रू को, इब्रानी को, यूनानी को, लातिनी को, अंग्रेजी को या चाइनी को, दूसरी जुबानों को हम सीखते स्कूल में, कॉलेजेस में उसातुदा से, तो फिर हम उसको बोलने के काबिल, ये है जेनोलालिया। और यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ग्लासोलालिया। ग्लासोलालिया ऐसी जुबान है जिसको हम सीख कर नहीं बोलते, ये पात्रू हमें बगैर किसी प्रैक्टिस के, बगैर स्ट्रगल के, बगैर कोशिश के, ये वजन की सूरत में, वजन की हालत में, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हम पात्रू के मस्जिद में उसकी कुमत की तासीर के नीचे होते हैं, तो खुदा अपने पात्रू की कुमत से भरकर अपने लोगों को बोलने की कुमत देता है। और ये इसके लिए ग्लास को ला लिया है कि जो वजन की हालत में आप बोलते हैं, अपनी स्ट्रगल से, अपनी कोशिश से, अपने सीखने से आप नहीं बोलते। और यहां पर जिस बात का जिक्र किया गया है वो ग्लासोलालिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि सारे के सारे शागिर्द सीखी हुई जुबान नहीं बोल रहे बल्कि पाक रूह। और लिखा भी क्या है कि जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत, यहां जो ताकत के लिए लफ्ज है ना। अब अधूरी बात छोड़कर आगे जाने को दिल नहीं करता, इसके लिए दोनों माइक लफ्ज है ग्रीक जिसके माने होते हैं कुवत, एनर्जी, ताकत। या डायनामाइट कितने लोगों ने लफ्ज सुना है, जब पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ते हैं, नमक की कानों में नमक के पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ते हैं तो डायनामाइट लगाकर तोड़ते हैं। इसका मतलब कि ऐसी कुवत जो क्या करती है, तोड़ देती है, पाश पाश खुदा के लोगों, पाक रूह की कुवत, पाक रूह का जोर, पाक रूह का इख्तियार भी पाश पाश कर देता है, तोड़ देता है गुनाह और बदी के जोर को, गुनाह की, सिन की, बदकारी की सारी तासीरों को तोड़कर उन्हें नीच कर देता है, बर्बाद कर देता है और हमें बरकत से, हमें जिंदगी से, हमें ब्लेसिंग से भर देता है। इसलिए इसका तमस्कर उड़ाने की कोशिश कभी ना करें बल्कि इसकी ख्वाहिश करें कि पाखरू मेरे अंदर आ, मुझे इस नेमत से मामूर कर, मुझे इस नेमत से पाते ताकि मेरे अंदर से बदी की, गुनाह की, शरारत की सारी तासीरें, मौत और
बर्बाद हो जाएगा और मैं तेरी ब्लेसिंग से, तेरी जिंदगी से, उस जिंदगी की सांस से, जिंदगी बख्शने वाली ऑक्सीजन से मैं बच जाऊं और जिंदगी का मालिक बन जाऊं, जिंदगी की मालिक बन जाऊं। आखिरी दो चार मिनट और दूंगा, 5 मिनट दूंगा, उसके बाद में इख्तिताम पजीर करेंगे आज की सारी समन को, रस की सारी स्टडी को। थोड़ा सा वक्त मेरे साथ और रहिएगा। ग्लास उला लिया तो ये जो लोग ये कहते हैं कि भाई रट नहीं दे रहे, जो रटे हुए हैं हाँ वो भी तमाशे वाले हैं, लेकिन फिर हकीकत ये रटने वाली बातें नहीं। ये खुदा बख्शता है, ये ग्लास उला लिया जो किसी स्ट्रगल और कोशिश के नतीजे में नहीं बल्कि पाक रूह के जोर से, पाक रूह के मसा से मिला। इसके लिए इनका कभी तमस्कर न हुआ, मजाक न उड़ा। आखिरी बात करना चाहूंगा, मकसद कि कभी कोई काम बगैर मकसद के नहीं हो। मैं यहां पर 5वीं आयत से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा लंबा है। अमाल की किताब 2 बाब उसकी 5वीं आयत से, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा दर्श यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, और सब हैरान और मुताज्जुब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? ये गलील के रहने वाले और गलील की जुबान बोलने वाले हैं, लेकिन मेरी जुबान कैसे बोल रहे हैं? आगे 8वीं आयत में, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता, हालांकि हम सब, यानी नाम गिनते जाइएगा, पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, दुकिया, पोंतुस, आसिया और फ्रोगिया, पैम्फिलिया, मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करेने की तरफ से है, और रूमी मुसाफर का यहूदी का उनके मुरीद और क्रीती और अरब। ये 15 मुल्कों के, 15 तहजीबों के, 15 जुबानें बोलने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सामने जब पात्रू से लोग भर जाते हैं, पात्रू बोलने लगते हैं, और इस पात्रू के वसीले उनके अंदर गवाही से वो पीछे कमरे में ठहरे नहीं रहे। देखिए इससे पहले क्या है, के डर से ये लोग चुपे, लेकिन जूही पात्रों मिल गया, जूही पात्रों की कुदरत और कुवत उन्हें मिल गई है, सारे डर लगे, अब छुपे हुए नहीं रहे, सामने आ गए हैं। वही पतरस जेड़ा 3 बारी इनकार करता था यीशु का, और बड़े सख्त लफ्ज में एक बार वो यीशु का इनकार करता है, मैं वो उलपट कर पहला कहना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या है, इतने सारे लोगों के सामने वो यीशु की गवाही देने के लिए आ गया, और क्या करता है, आकर उन सारे लोगों को एड्रेस करता है, खिताब करता है, यीशु मसीह के नाम की गवाही देता है। और अगर आप इसी 2 बाब की 41वीं आयत पर आ जाए, मैं शॉर्ट करते हुए सिर्फ एक ही आयत को पढ़ूंगा, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, 3000 आदमी उनमें मिल गए। इसका मतलब है
कि पत्रस के एक किताब से एक गवाही से ये जो 15 मुल्कों के 15 इलाकों के लोग यहां पर मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आप मासूम पड़े हैं ना, आपको हर बात बतानी पड़ती, मैं ये छोड़कर जा नहीं सकता कि तुम बताए जो कि तुम कुछ भी नहीं पता। 15 जुबानी बोलने वाले 15 मुल्कों के लोग यरूशलेम में कर के रहे हैं, और इतने लोग कि उनमें से 3,000, एक रवायत ये भी है कि 5,000, तो ये इतने सारे लोग उस दिन मसीही हो रहे हैं, आएंगे तो खुदा के लोगों, ईदे फसा यहूदियों की ईद, जो दुनिया की जहां मर्जी यहूदी हो वो जाकर यरूशलेम में मनाते, तो ईदे फसा के लिए ये इतने सारे इलाकों के लोग उस जगह पर मौजूद थे। जिस तरह से हमारे इस्लामी भाई जहां मर्जी दुनिया के कोने में रहते हो, हज जाके मकई भाई, इसी तरह यहूदियों की फसा यरूशलेम में हैकल के अंदर जाकर ही होती थी, वही कुर्बानी करने से उनकी ईद होती थी, अदरवाइज उनकी फसा नहीं मुकम्मल होती। तो ये उस वक्त यीशु मसीह के जमाने में 3 बड़े आजम सिर्फ जाने जाते थे, सारी दुनिया जिसको कहा जाता है, और सिकंदर के लिए जो कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, इसका मतलब उसने 3 बड़े आजमों पर रखा, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका जाकर 16वीं 17वीं सदी में जाके इसने कोलंबस ने दरियाफ्त किया, उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त नहीं हुआ था, एंटार्कटिका दरियाफ्त नहीं हुआ था, और सिर्फ उस वक्त यूरोप, बड़े आजम अफ्रीका और बड़े आजम एशिया, ये 3 बड़े आजम थे, और इन 3 बड़े आजमों से मसीही यहूदी वहां पर मौजूद थे, और ये सारे जुबानें बोलने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं, और खुदा चाहता था कि आज इतने तहजीबों के, इतने मुल्कों के, इतनी सारी कामों के लोग यहां मौजूद, तो पाटू ने उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ईमानदारों को ऐसी जुबान बख्शी कि जब सभी बोल रहे हैं वो गलील के रहने वाले हैं, गलीली अरामी बोलते थे, अरामी जुबान थी उनकी, अरामी बोलने वाले ऐसी जुबान बोल रहे हैं जिसे खुदा ने उन्हें बख्श कि सारे सुन रहे, और उनमें से 3,000, अब 5,000 कह लें या 3,000 कह लें, दोनों रवायतें मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस में, यहां 3 लिखा, 3,000 लिखा है, तो ये ज्यादा मौत पे है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा, इंजील में लिखा, तो 3,000 लोग मसीही हो गए, ये इसका फल है, और पूरी दुनिया इसको सिर्फ गैरजबानों का दिन नहीं माना जाता, इसको कलीसिया का, द बर्थडे ऑफ चर्च, कलीसिया के आगाज के तौर पर गिना जाता है। आज पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक इसको चर्च के इब्तदाइया के तौर पर, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, पेंटिकॉस्टल, जो पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं ये कलीसिया की बर्थडे का दिन, क्योंकि आज ही के दिन कलीसिया का वजूद बना, कलीसिया जो 120 लोग छुपे हुए फिर रहे हैं, लेकिन यीशु ने, मैं इसलिए कहूंगा कि बाइबल के वादों को याद रखें, तो हमें किसी पादरी से मुखालफत लेने की, डिबेट करने की, बहस करने की जरूरत नहीं। जब आसमान पर यीशु गया है तो कहकर गया, गया अजय बार ना निकलना तुम, तो इसलिए अभी खिदमत के लिए ना निकलना, खुदा ने रोक दिया जब तक रूह का लिबास ना मिले, तो यीशु ने अपना 10 दिन के बाद ही वादा पूरा, लंबिया नहीं लाइया साढ़े वागू हिस्सा छड़नी है, ते साल हा साल
मगर मैंने पहले नियम दस दिन के बाद यीशु ने अपना वादा पूरा किया। और फिर हमने ईदे सऊद पर तकती पहले यहूदिया यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया की, और ये दुनिया की इंतहा तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए मेरे खुदा ने पाक रू ने पाक रू की कुदरत से गैर जुबानों का गिफ्ट मिला ताकि लोग अपनी अपनी जुबान में इसको सीख सके। मैं कल एक सर्मन सुन रहा था डॉक्टर हिस्कियल स्रोत साहब, कितने लोग हैं जो हिस्कियल स्रोत साहब के नाम से बात करते भोले लोगो शारुख के नाम तो सारी दुनिया वाक है, और जो मसीही हीरो है आपको अंदाजा ही नहीं मैं किसका नाम ले रहा हूं। यकीन करें डॉक्टर हिस्कियल स्रोत, इस पंजाब ने पेंटिकॉस्टल चर्च का बाबा है, पेंटिकॉस्टल एफडीए चर्च का बानी, आप उसकी कभी गवाही सुने आपको आपकी ग्रुप बंद कर सकता है। वो कहते एक जगह पे कलाम सुना रहे थे, कोई एक बंदा तर्जमा कर रहा था, एक कलाम सुना रहा था, हालांकि जिस मुल्क में कलाम सुना रहे थे कहता है मैं नहीं पता कि ये वो क्या बोल रहा है, आपको समझ आते अंग्रेजी बोल रहा है, हमें अंग्रेजी की समझ आ रही है, लेकिन उस मुल्क के लोगों ने साथ एक मुतरजम भी खड़ा किया हुआ था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं एक बंदा उठा, उसने कहा भारिया की तमाशा वो ही गल वो आंदा है, वो ही गल वो आंदा है, तो एक भा दो हमें समझ तो आ रही है। दूसरा बंदा, लेकिन उन्हें तो ये था कि शायद ये इनका मुतरजम जो है इसकी बात समझ रहे हैं। तो पाक रू का गैर जुबानों का ये इजाज है, ये मौजदा है कि ये जहां भी बोली जाएगी अगर ये खुदा की तरफ से है, खुदा का गिफ्ट है, खुदा की बरकत से है, खुदा के मंसूब पर उतरी है, तो फिर किसी मुतरजम की जरूरत नहीं है। ये है पाक रू, ये है गैर जुबानों का काम, ये है गैर जुबानों की बरकत, ये सबको समझ। लेकिन आज अगर हम यहां सारे ही पंजाबी और उर्दू समझने वाले हैं तो यहां पर खड़े होकर गैर जुबान में दुआ करना, मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है। हाँ पाकि उसको बोझ दे रहा है तो जरूर वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करे, घंटों करे, लेकिन अगर उसको किसी से फायदा नहीं तो फिर वो अलग ही। मैं आखिरी तशरी नहीं करूंगा, सिर्फ चंद बातें पढ़ के छोड़ दूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया। गैर जुबानी बोलना क्या है, कितना चूंकि जो ये ख्याल करते हैं कि गैर जुबानी ही रूहुल कुदस हैं और इसके अलावा रूहुल कुदस से लोग बामामूल नहीं है, वो बेबरकते हैं, तो वो ये पहला क्रंथियों उसका बारवा बाब और उसकी पहली आयत से मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, तशरीह नहीं करूंगा। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो भूखे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाहून है, वो और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमते तो यहां से छठी आयत से नेमते तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा। ये जुमला खास तौर पर जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है लेकिन हर शख्स में रूह का जरूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से, अब यहां मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं, एक को रूह के वसीले से
हिम्मत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूपी मर्जी के मुआफिक एलमियत का कलाम, किसी को उसी रूप के ईमान और किसी को उसी एक रूप से शिफा देने की। अगर किसी को शिफा देने की नियमत मिल गई है तो ये पाखरू की बरकत के बगैर कोई किसी को नहीं कह सकता, गंदी बदरू को डांट नहीं सकता वरना छतरा खा के घर आ जाए। और कई पादरियों के साथ ऐसा होता है, कई साधुओं के साथ ऐसा होता है कि वो बदरुएं निकालने जाते हैं पाखरू की नियमत से खाली होते हैं, पाखरू उनके अंदर नहीं होता। तो सिखवा शमान और उसके वो जो सिखवा के बेटे हैं उन्होंने जुटियाँ खा के बदरुआ को लो वापस नबूवत शिफा और इस तरह की बात। किसी को मौजूदों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इंतजाम, ये भी नहीं मत। अगर गैर जुबान एक शख्स नहीं बोल रहा उसको पादरू के वसीले से रूहों में इम्तियाज करना आ गया है, वो ये सीख गया है कौन सा भाई कौन सी बहन खुदा के साथ है, ईमानदार है, कौन सा छल और फरेब कर रहा है, वो कलीसिया के अंदर फूट पड़ने से बचा सकता है, वो गलत फैसले होने से बचा सकता है, वो अपने चर्च की ग्रोथ के लिए काम कर सकता है, तो ये भी पाखरू की साथ। इस पर मत एम्फसाइज करें कि सिर्फ गैर जुबान बोलने वाला ही पाखरू जाता है, मैं नहीं कहता कि पाखरू की नेमत जिसको मिलती है उस पर खास फल, लेकिन ये भी ख्याल ना करें कि अगर दूसरा नहीं बोल रहा उसको नहीं मिली तो वो पाखरू से वो बेईमान वो गैर निजात दिया। यहां हम इसमें देखते हैं लोगों का इंतजार, किसी को तरह तरह की जुबाने याकूब ने आया, किसी को तरह तरह की जुबाने, किसी को जुबानों का तर्जमा, या तक किसी को नहीं देखा हमने करते, ये भी नहीं मैं पाखरू देता किसी को तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जोर चलता है, देखिए इस जुमले पर भी गौर करें, जिसको जो चाहता है वो बांटता है, किसी को गैर जुबान दे देता है, किसी को नबूवत करना, किसी को एलियन का कलाम दे देता है, किसी को शिफा दे देता है, और ये खुदा जानता है कि मैंने किसको क्या नेमत देकर अपने नाम की गवाही को लोगों के अंदर। आज के बाद मैं चाहता हूं ये आगे आप चौथे चैप्टर की एक दो आयतें सिर्फ एक दो जुमले पढ़ना चाहता है, बारहवीं आयत के चौथे चैप्टर की, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की। इस बाब से जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो हुआ करे कि तर्जमा भी कर सके, इसलिए अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह को दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। आप तन्हाई में घंटों खुदा के साथ रह पाए, एंड आई फील प्राइड, मैं फखर महसूस करता हूं जिनके पास ये नेमत गैर जुबानें बोलने की है, लेकिन वो दूसरों की तहकीर नहीं, और जो आज तक इनका इनकार करते आए हैं आज वो अपना अकीदा दुरुस्त करके जाए, आज के बाद वो गैर जुबानें बोलने वालों की तहकीर ना करें, उनका मजाक ना उड़ाए, उनका इनकार ना करें, ये खुदा की नेमत है। अब खुदा ने जिसको जिसके अहल समझा उसको वो नेमत दी, हमें इसमें तवाजन के साथ चलने की, हमें मोहब्बत में गैर जरूरी चीजों से चिमटने की जरूरत नहीं, और तासुब में नफरत में मुखालफत में गैर जरूरी चीजों को भी उसमें शामिल करके कुक्का ही मुकर जान देनी लोड मेरा खुदा आज पाखरू कर उसकी तहसीन कर, क्योंकि पाखरू गैर जुबान नहीं
पात्रू खुदा का तीसरा अकबूब है, खुदा है, कामिल खुदा है, और जो खुदा की खिलाफ वर्जी करता है वो कभी बचा नहीं रह सकता। हमें खुदा इसको उसके बाइबल की तालीम के मुताबिक समझने, इसको प्रीच करने का फजल और तौफीक दे। हम सारी गैर जरूरी चीजें जो पेंटिकॉस्टल भाई इसकी गैर जरूरी मोहब्बत में इंतहाई आगे बढ़ जाते हैं, खुदा हमें उससे भी बचा के रखे, और जो नॉन पेंटिकॉस्टल लोग हैं वो उसकी नफरत में बदतमीजी और गुस्ताखी की हद तक चले जाते हैं, खुदा हमें उससे भी